आज की वीडियो के विषय है खूबसूरत सी येलो कलर की फूल जो बहुत ही खूबसूरत दिखती है इसके फूल अपडेट के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय राज गार्डन। आज हम जिस फूल की चर्चा करेंगे उसका नाम है गोल्डन पांडा या फिर फर्स्ट लव, और इसका साइंटिफिक नेम है सेंथस्टमन क्रिसेंथस। नाम इतना कठिन है कि शायद ही कोई इस नाम से बुलाता हो, लेकिन इसके फूल जो है काफ़ी खूबसूरत है। मैंने इसे 4 साल पहले कोलकाता की एक नर्सरी से ख़रीदा था और उस समय मुझे इसे लेने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि एक तो मैं इस फूल को जानती नहीं थी और ऑलरेडी मैंने कुछ फूल ले रखे थे। तो लेकिन उस नर्सरी वाले भैया ने कहा कि दीदी आप इसे लेके जाइए, ये बड़ी ही खूबसूरत खिलता है। तो अक्सर मैं उनके नर्सरी से लेती हूँ और कभी भी कोई नया प्लांट आता है तो मुझे बताता है कि दीदी ये नया आया है। तो उन्हीं पे विश्वास करके मैं इसे लेके आई और आज मुझे बहुत ही खुशी होती है जब मैं इसे खिलता हुआ देखती हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत जो खिलती है कि मैंने इसे अपने गार्डन में जगह दी। तो आज का वीडियो ये 4 साल का एक्सपीरियंस है कि मैंने इस खूबसूरत से फूल को अपने गार्डन में किस तरह से रखा है और इसे क्या पसंद है क्या नहीं। तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो मैंने जब 4 साल पहले इसे लिया था तो छोटी सी पतली सी टहनी थी, करीबन 7 या 10 इंच की रही होगी। तो मैंने 2 एक साथ लिया था, एक रेड कलर की थी और एक येलो कलर की। तो जब मैं ऐसे डुवस लेके आई तो रेड कलर काफ़ी छोटी थी तो मर गई, तो मैं इसके साथ में बड़े केयरफुल थी कहीं ये भी मर ना जाए। तो लेकिन ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, आराम से सरवाइव कर सकता है। तो इसी 4 साल में मैंने इसे सीखा है कि इसे क्या पसंद है और क्या नहीं। ये प्लांट साल में 2-3 बार फूल दे ही देती है। तो मैंने इसके साथ क्या किया था कि विंटर ख़त्म होने के बाद मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी थी। रिपोर्टिंग में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, मिट्टी, गोबर की खाद और कोकोपीट यही डाल के मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी थी और सेमी सेड एरिया में रखा हुआ था। और कुछ दिनों के बाद मैं अच्छी सी गोबर की खाद दे के मैंने इसे फुल सनलाइट एरिया में रख दिया। इसे सनलाइट बहुत अच्छी पसंद है क्योंकि ये हार्डी प्लांट है, हार्डी प्लांट अक्सर सनलाइट में अच्छे खिलते हैं। तो उसके बाद देखिए ये आप हर ब्रांच में देखेंगे इसकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है और कोई भी ब्रांच छूटा नहीं है। इवन देखिए छोटी से छोटी टहनियों में भी इसके अच्छे फूल आए हैं। ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है, बहुत ही जब खिलता है बहुत ही खूबसूरत भर के खिलता है। और जब खिल रहा होता है तो आप इसे रेगुलर पानी देने की ज़रूरत है क्योंकि एक फूल करीबन सप्ते भर रहता है, 5-6 दिन तो रहता ही है। तो फिर उस समय रेगुलर अगर पानी देते हैं तो ये काफ़ी दिनों तक ताज़ी रहेगी, अदरवाइज़ ये जल्दी सूख जाने का डर होता है क्योंकि ये फुल सनलाइट में रहता है। तो उस समय पानी का ख्याल रखिएगा ताकि फूल जल्दी से मुरझाए नहीं। देखिए छोटी सी टहनी में भी कलियां आई हुई हैं। तो और इस फूल को बहुत ज़्यादा मधुमक्खियां और तितलियों को आकर्षित करता है क्योंकि इतनी खूबसूरत है फूल कि जब देखेंगे आपके गार्डन में रहेगा तो मधुमक्खियाँ और तितलियाँ अक्सर आएँगी क्योंकि ये उनको बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। तो ये जो प्लांट है इसे धूप में रखिएगा, ये हार्डी प्लांट है और इसकी नई ब्रांच कटिंग से होती है, आप कटिंग से ही इसे लगाया जाता है। इसकी फूलने के बाद में फल होती है लेकिन फल से उससे नई प्लांट नहीं बनती, तो इसकी कटिंग से ही नई ब्रांच बनती है। और जब ये खिल के गिर जाती है तो नई ब्रांच आना शुरू होती है। तो उस समय फिर एक बार आप इसे खाद दे दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम ये अपने खिलने के लिए रेडी हो जाए। प्लांट ज़मीन में हो या पोट में, अगर उसे ज़्यादा फूल लेना है तो बीच बीच में खाद का विशेष ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि फूल तभी अच्छे देते हैं जब उसे खुराक अच्छे मिलते हैं। और पोट में हो तो उसके साल में एक बार रिपोर्टिंग होनी ज़रूरी है क्योंकि स्पेस कम रहता है, उसमें प्लांट की जड़ें काफ़ी फैल जाती हैं और जड़ें अगर फैल जाती हैं तो उसमें कसाव आ जाता है और उसी वजह से प्लांट की ग्रोथ और उसके फूलना, ज़्यादा फ्लावरिंग होना दोनों ही कम हो जाते हैं।
प्लांट अगर पोट में हो तो साल में उसकी एक बार रिपोर्टिंग होनी ज़रूरी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करिए, ज़रूर करिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो को भी आप देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए टाटा बाय बाय।